हे गाइस, वेलकम बैक टू हिमाचल ज्ञान। तो आज हम डिस्कस करेंगे एचपी जेबीटी टेट के क्वेश्चन पेपर को। इसमें हम सेक्शन टू इंग्लिश को डिस्कस किया जाएगा और इसमें सीरीज ए रहेगी और इसमें मैं दोनों साइड के क्वेश्चन को साथ साथ में डिस्कस करूंगा। तो पहला क्वेश्चन है 31st आई फर्स्ट मेट हिम डैश ईयर एगो। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ए ईयर एगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिनोनिम्स ऑफ फिशीज। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए, सस्पिशियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द वाई अबाउट डैश यू आर स्पीकिंग। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए, हुम। तो वेयर इज अ वाई अबाउट हुम यू आर स्पीकिंग। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 एंटोनिम्स ऑफ एडोर इज। तो एडोर का जो सिनोनिम्स होता है उसका होता है लव, एंड इसका जो अपोजिट मीनिंग रहता है वो होता है ऑप्शन नंबर बी, डिसलाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है He hanged himself dash dash a piece of cloth. तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी, with a piece of cloth. He hanged himself with a piece of cloth. नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड ओसियस मीन्स। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अ शेडी फर्टाइल प्लेस इन डेजर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी राइड स्लोली डैश डैश नीटली। तो सी राइड स्लोली वट नीटली। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, वट आएगा इसमें। अ लॉइन शेयर्स मीन्स। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी, अ वीक शेयर ऑफ समथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 क्लोज द विंडो। इसका हमने चेंज इनटू पैसिव वॉइस में करना है। आपके सामने ये ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, लेट द विंडो बी क्लोज। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द गाइड। इसमें सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी, आर के नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही ऑप्शन है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ही इन्फॉर्म्ड द मैटर टू द पुलिस। हम कोई भी मैटर जो है पुलिस से पूछते नहीं है, ना ही उनको रिप्लाई करते हैं, ना रिपोर्ट करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमाइम इज क्या है, माइम क्या है? तो ये एक इन विच कैरेक्टर्स टेल अ स्टोरी वाई गेस्चर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनी मेक्स डैश डैश को। तो मनी डैश डैश क्या होगा इसमें? तो मनी मेक्स द मेयर को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 हु इज नोन एज ए फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए, विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 अ लिटिल नॉलेज इज ए डैश थिंग। तो लिटिल नॉलेज इज ए डेंटिस्ट थिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 ही इज नॉट डैश क्लेवर एज हिज ब्रदर। तो इसमें दो कंडीशन रहेगी। पहली कंडीशन अगर एज के साथ एज आता है तो उसमें पॉजिटिव सेंस आनी चाहिए सेंटेंस में या नेगेटिव। तो ये दोनों के साथ यूज होता है, पॉजिटिव भी नेगेटिव के साथ भी। अगर क्वेश्चन है ही इज़ नॉट एज क्लेवर एज हिज ब्रदर तो ये भी ठीक है। अगर यूज होता है सो के साथ एज तो ये यूज होता है नेगेटिव सेंटेंस के साथ, जैसे कि ही इज़ नॉट सो क्लेवर एज हिज ब्रदर। तो इसमें ये भी सेटिफाइज कर रहा है। पर अगर हम क्वेश्चन में देखें कि सबसे ज़्यादा मोस्ट इसमें आंसर क्या रहेगा, तो आंसर इसमें ऑप्शन नंबर बी एज रहेगा कि ही इज नॉट एज क्लेवर एज हिज ब्रदर। बाकी अकॉर्डिंग ग्रामेटिकली दोनों ही इसमें क्वेश्चंस में सेटिस्फाई कर रहे हैं, बट ज्यादा सेटिस्फाई कर रहा है एज। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द वर्ड विच इज द मोस्ट अपोजिट इन द मीनिंग द वर्ड एक्टिव। एक्टिव का अपोजिट मीनिंग क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, इनएक्टिव। वैसे तो लेजी भी इसका अपोजिट है, लिदार्जी इसका अपोजिट है, बट यहाँ पूछा है मोस्ट अपोजिट, तो इसका सही ऑप्शन रहेगा इनएक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 कि यू विल विन द फर्स्ट प्राइज डैश यू वर्क हार्ड। तो इसमें सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, इफ यू विल विन द प्राइज इफ यू वर्क हार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 सेलेक्ट द वर्ड विच इज द मोस्ट अपोजिट द मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑलवेज। तो ऑलवेज का अपोजिट रहेगा नेवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 हरी अप डैश यू विल बी लेट। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, और हरी अप और यू विल बी लेट, तो इसमें और आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
49 आई वेटेड फॉर हिम डैश डैश ही अराइव्ड, तो इसका सही ऑप्शन रहेगा अनटिल, आई वेटेड फॉर हिम अनटिल ही अराइव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स एग्जैक्टली द सेम टू द वर्ड ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का सेम मीनिंग क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए प्रेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स एग्जैक्टली द सेम टू द वर्ड फनी, फनी का सेम वर्ड क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है ह्यूमरस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सेलेक्ट द नियरेस्ट मीनिंग फॉर द idiom एंड फ्रेजेस फॉर क्वेश्चन नंबर 54 टू लेके 58 तक। तो 54 क्वेश्चन है वी शुड गार्ड अगेंस्ट अवर ग्रीन आइड फ्रेंड्स, तो ग्रीन आइड idiom फ्रेज है, इसका सही जवाब रहेगा जेलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही हैड ए हेयर ब्रेथ एस्केप फ्रॉम द एक्सीडेंट, तो हेयर ब्रेथ idiom फ्रेज का मीनिंग है नैरो एस्केप फ्रॉम द एक्सीडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, ऑल हिज एफर्ट्स एंडेड इन स्मोक, तो एंडेड इन स्मोक मीन्स कम टू नथिंग, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम डिसाइडेड टू वरी द हैचेट, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी टू मेक अ पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोपाल इज डिफरेंट स्टूडेंट ही इज ऑफन ऑल एट सी, तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए कंप्लीटली कंफ्यूज्ड। ये थे idiom एंड फ्रेजेस के क्वेश्चंस। लास्ट टू क्वेश्चंस 59, हु सेड इंग्लिश इज आवर मेजर विंडो ऑन द मॉडर्न वर्ल्ड, किसने कहा था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है पंडित नेहरू ने ये कहा था। लास्ट क्वेश्चन इज विलियम शेक्सपियर वॉज ए ग्रेट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सारी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रही है, वो एक ऐसे राइटर भी थे, ड्रामेटिस्ट भी थे, एक्टर भी थे, पोइट भी थे, बट यहाँ पूछा गया था कि वो सबसे ज़्यादा क्या थे, ग्रेट महान एक ऐसे राइटर थे, तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। तो गाइज ये थे क्वेश्चंस रिलेटेड टू इंग्लिश सेशंस, आप अपने क्वेश्चंस को चेक करें, मैच करें कि कितने क्वेश्चन आपके सही हैं। तो ये था इंग्लिश का सेशंस, मिलते नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।